नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है अनमोल ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, हम लोग हैं कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की पावन धरती पर हम लोग उपस्थित हैं दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आज हम लोग आ चुके हैं अस्थानेश्वर महादेव मंदिर, जहां पर पांडवों ने पूजा की थी महाभारत काल में और उन्हें विजय प्राप्त हुई थी दोस्तों। देख सकते हैं नंद जी के सिंह के बीच में से हम लोग देख रहे हैं महादेव को। तो मंदिर में प्रवेश करते हैं दोस्तों। बहुत ही स्वच्छ है मंदिर, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही स्वच्छ शिलाओं से बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं संगमरमर से इसका फर्श बना हुआ है और देख सकते हैं शिवलिंग यहाँ पे विराजमान है। ओम त्रयम्बकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् वन्दनामृतम् मोक्षिमाम् तथा ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलिए दुर्गा मैया की जय। यहाँ पे दुर्गा मैया की भी मूर्ति विराजमान है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर यहाँ पे झांकी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे माता रानी की कितनी बेहतरीन मूर्ति, आप लोग देख सकते हैं महालक्ष्मी माता का। इसके बाद संतोषी माता का बहुत ही बेहतरीन मूर्ति आप लोग देख सकते हैं। और मंदिर को कितना सुशोभित रखा गया है, कितना सुंदर है, ये देख के ही आपकी आँखें एकदम चौंक जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं, आप एकदम मन प्रफुल्लित हो जाएगा। माता दुर्गा के सभी रूपों का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं झांकी बना कर रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं राम दरबार आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन को मतलब गीता उपदेश सुनाते हुए फोटो है। आप लोग देख सकते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पे चित्र बनाया गया है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और इसके बाद दोस्तों आपको दिखाते हैं राम दरबार का सीन, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राधा कृष्ण की भी मूर्ति है और बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पे देख सकते हैं। भजन हो रहा है, साईं बाबा की भी मूर्ति है तो उन्हें भी प्रणाम है हमारा दोस्तों। और दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे दर्शक आने लगे हैं, यहाँ पे भक्तों का अब तांता लगा रहता है दोस्तों। लेकिन कोविड के बाद से थोड़ा कमी पड़ी है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन कोविड से पहले बहुत भीड़ होती थी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बालाजी सरकार का भी मूर्ति बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है तो उन्हें भी हमारा प्रणाम है दोस्तों। कितना सुंदर आप लोग देख सकते हैं टाइल्स पे बना हुआ है, ये बहुत ही बड़ा टाइल्स जिसे इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है। हनुमान जी की भी मूर्ति और राम दरबार पूरा चित्रित किया गया है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे शनि भगवान की शिला यहाँ पे विराजमान है तो उन्हें भी हमारा प्रणाम है दोस्तों। और ये प्राचीन बरगद का वृक्ष, तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस मंदिर को देख के आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।